हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ पटे प्लान ख़राब जो हो जाता है तो उसे रिप्लेस करने के लिए कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ सकती है। जो मैं आप लोगों का भी बता रहा हूँ, जो देख सकते हैं एचपी का है, सबसे ज़्यादा बेस्ट मॉडल है और काफ़ी ज़्यादा बिका हुआ है प्रिंटर है। तो इसमें ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है, कभी टेप्लॉन चेंज करने की ज़रूरत पड़ता है, तो आपको सबसे फर्स्ट है जो आप लोग को टेप्लॉन ले लेना है, जिसका प्राइस आप लोग को पड़ सकता है 100 से 150 रुपया पड़ सकता है आप लोग को। उसके साथ आप लोग को टेप्लॉन ग्रीस की ज़रूरत पड़ेगी। तो देख सकते हैं, इसे जो बोलते हैं सिलिकॉन ग्रीस बोलते हैं, जो आपको हीटिंग कंपाउंड पर उसका लगता है, जहाँ पर आप टेप्लॉन लगाएंगे उस पर चिकनाहट के लिए, ताकि अच्छे से वो रोलिंग हो सके। तो ये सिलिकॉन ग्रीस इसको बोलते हैं। साथ में इस प्रकार से डब्बा में आता है आप लोग को, ये वाइट कलर में, और कुछ इस प्रकार से भी ये सिलिकॉन ग्रीस आता है। इसका प्राइस आप लोग को 60 से 70 रुपया पड़ सकता है। अब छोटा में लेते हो तो, आप बड़ा लेते हो तो 100 से 150 रुपया ऑनलाइन ऑफलाइन बिल्कुल इजी रूप से मिल जाता है। उसके साथ आप इसका यूज करना चाहते हैं तो ये भी यूज कर सकते हैं। उस प्रकार से सिलिकॉन ऑयल आता है, इसको भी आप लोग टेप्लॉन चेंज करने वक्त यूज कर सकते हैं। इसका प्राइस आप लोग को 150 रुपया पड़ सकता है। आप इसे थोड़ा सा यूज करना पड़ता है, ताकि उस पर चिकनाहट बने रहे और आपका टेप्लॉन बिल्कुल इजी रूप से रोलिंग हो सके। तो चलिए मैं दिखला देता हूँ टेप्लॉन किस प्रकार से होता है। तो आपको ये सारा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगा। आपका टेप्लॉन अगर ख़राब हो जाता है, आपका प्रिंटिंग बीच में अटक जाता है, तो आपको टेप्लॉन प्रॉब्लम होता है, तो चेंज करने का काफ़ी ज़रूरत पड़ता है। तो ये सारा मटेरियल आपके पास होना चाहिए, तो ही आप अपना टेप्लॉन चेंज कर सकते हैं अपने HP लेजर का प्रिंटर का। तो दिखा रहा हूँ मैं टेप्लॉन किस प्रकार से रहता है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से टेप्लॉन आता है, तो आप इसे अपना लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपका टेप्लॉन आता है न्यू। साथ ही मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, सिलिकॉन ऑयल का यूज सिर्फ टेप्लॉन चेंज करने के लिए नहीं, इसका यूज बहुत है। आप लोग प्रिंटर का जब आप प्रिपेयरिंग करते हैं, काफ़ी आवाज़ आता है, तो उस जगह पर इसे लगा दीजिए, वहाँ पर भी आपका आवाज़ गायब कर देगा। जहाँ पर आप लोग ग्रेडिंग हो रहा है प्रिंटर में, आवाज़ आ रही है, नॉइज़ आ रही है, उस जगह पर इसे लगा दीजिए, आपका बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये भी ग्रीस का सेम ही वर्क है, आप लोग को मैं बता दूँ क्या इसका काम है। तो देख सकते हैं सिलिकॉन ग्रीस का यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पेस्ट है, ये आप लोग को कंपाउंड है, जो आप लोग को लॉन्ग लाइफ इसका रहता है। जब आप इसे अपना प्रिंटर रिपेयर करते हैं, तो उसके जरूर पड़ता है आप लोग को अपने गियर या किसी जगह पर, जहाँ पर आप लोग को ज़्यादा वर्क होता है, गियर का वर्क नहीं करता है, ज़्यादा नॉइस आता है, तो उस जगह आप इसे लगा सकते हैं, जिससे इसका लॉन्ग टाइम बना हुआ रहता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस ग्रीस का कहाँ आप लोग अपने प्रिंटर में यूज कर सकते हैं। और आपका कुछ भी प्रॉब्लम आता है गियर से रिलेटेड, तो उस जगह पर आपको ग्रेडिंग का समस्या आता है, काफ़ी नॉइस आता है, तो उस जगह कैसे कर सकते हो, तो देख सकते हैं। मैं भी ये दिखा रहा हूँ कैनन का जो प्रिंटर है, इसमें आप लोग कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, इस ग्रीस का। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को वर्क होता है, ये यहाँ पर आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। आपका ये इस प्रिंटर में भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी आपका नॉइस आता है, तो आप लोग को गियर बॉक्स में उसको लगा देना है थोड़ा सा, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसका भी यूज आप लोग कर सकते हैं। देख सकते हैं इस सेक्शन में आप लोग को ग्रीसिंग दिया गया है, जो देख सकते हैं अभी ब्लैक हो चुका है, तो ज़्यादा यूज होने पर आप लोग का यह सूख जाता है ग्रीस, तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, जिससे आपका जो प्रिंटर का लाइफ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वर्क करता रहेगा और काफ़ी अच्छा सर्विस आप लोग को मिलेगा अगर आप सिलिकॉन ग्रीस को लगाते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस यही था दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।